माय नेम इज मोनिका शुक्ला फ्रॉम मुंबई। कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मेरी मुंबई वालों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस पिक्चर को खास करके अपना जॉब हो गया, कॉलेज हो गया, आके बिल्कुल देखें। बिल्कुल पैसा वसूल मूवी है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी है। मैं तो इसको सेकंड टाइम और देखने की इच्छा है मेरी, मैं सेकंड टाइम फिर से देखूंगी ये मूवी। आजकल एक्शन पैक फिल्मों का बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं यहाँ पे, सब नए नए एक्टर्स हैं, कैसा आपको लग रहा है कि कैसा काम रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया मूवी है और बहुत चले, तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी मुंबई वालों से कि इस पिक्चर को आके ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत बढ़िया मूवी है। मैं साहिल है, मैं मुंबई का हूँ। मैं मुझे ये मूवी अच्छी लगी, इसमें जो भी आपके यूनिट्स है, आपकी जो टीम है, बहुत अच्छा काम किया है इसमें। सोनी सर का भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, कुछ अलग ही अंदाज है इसमें। सीन मैडम है, सीन खान जी का भी काम बहुत बढ़िया है इसके अंदर, और पूरा टीम और पूरा आपके यूनिट ने इसमें बहुत अच्छी मेहनत किया। स्टोरी भी बहुत ही एक सबसे अलग टाइप की स्टोरी है, इसको देखने लायक है, हर आदमी देखेगा इसको, थोड़ा उसको इंटरेस्ट आएगा। जितने भी इस सस्पेंस है पिक्चर में, उतने भी लोग उसको इंटरेस्टेड होकर देखेंगे। बाकी मूवीज से तो हट के है और बहुत बढ़िया मूवी है। हम भी सबसे रिक्वेस्ट करते हैं और लोगों से, जो पब्लिक से या आपने जो भी आपकी टीम है और भी आपके जो कलीग्स हैं, आके देखें कि मूवी में बहुत ही अच्छी में स्टोरी भी है, एक्शन भी अच्छा है, मैं सब कुछ बेटर है इसमें। मूवी वालों से भी यही बोलूँगा कि हर कोई आदमी देखे मूवी को, ऑल ओवर इंडिया भी आपकी मूवी से अच्छी प्रमोशन हो, अच्छी मूवी चले, आप लोगों का अच्छा एक मतलब की रिकॉर्ड बने। बढ़िया रहा सर, इसमें मैंने एक जकीरा का अदा की है, जकीरा का पार्ट, जो बहुत सीधा साधा एक स्ट्रगल करने वाला मुंबई के अंदर, जो कुछ माफिया मिलकर उसको भटका देते हैं, तो वो ये हो जाता है, ये मूवी का अंदर है। और देखो आप देखिए, बढ़िया रहेगा। ठीक सर, धन्यवाद। फिल्म बनाने के दौरान कैसा अनुभव रहा आपको, जो 5 साल का अरसा लगा इसमें बीच में कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी उस दौरान आपको क्या अनुभव हुआ, कितना एक्सपीरियंस अच्छा रहा, खराब रहा, जो भी? बहुत अच्छा रहा लगा, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत आई मेरे को इस मूवी को बनाने में क्या, लेकिन महाकाल जी का आशीर्वाद रहा कि मेरे को मुंबई तक पहुँचाया इन्हें। क्या बहुत बढ़िया कहानी है, इस कहानी के ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है। इसमें राजा मुराद जी और रईस खान सर, सीन मैडम और दो कलाकार और हैं, वो सबने बढ़िया पार्ट किया है। एक चीज है, जैसे आजकल फिल्मों में गाने आते हैं, आपकी फिल्म में अभी तक कोई गाना इसमें नहीं, हमको नहीं दिखाई, इसमें गाने को नहीं रखा गया? गाने रखे सर, वो टाइटल सॉन्ग रखे हैं, थोड़े दो टाइटल सॉन्ग है इसमें, एक और अभी आएगा, अभी दो टाइटल सॉन्ग है 1.5 मिनट के। बेस्ट ऑफ लक। आपने डायरेक्ट की है? जी हाँ सर। आज के जमाने में बड़े बड़े स्टार्स को लिया जा रहा है, तो आपने नए लोगों को लेकर बनाई है, हाँ। कैसा अनुभव रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, और जो आजकल सिनेमा का जो कंडीशन चल रही है, बड़ी फिल्म बना बजट निकाल नहीं पाती है, तो मैंने सोचा छोटी मूवी नए कला को लेकर बनाई जाए, हो सकता है एक नई शुरुआत हो और हमारे सिनेमाघर वापस जिंदा हो जाए, ये एक कोशिश करी है मैंने। कितने समय में फिल्म बनाई आपने? यूँ तो सर इसको 5 साल लगे मूवी बनाने में, बीच में कोरोना का जो समय आ गया तो सर 2 साल रुकी रही है। कहाँ कहाँ शूट किया आपने? इसके मध्य प्रदेश और राजस्थान में शूट की है, 90% की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग के दौरान? मुझे बहुत अच्छा लगा सबकी टीम के साथ काम करके, और खास तौर से मुंबई में रिलीज हुई, मुझे एक इच्छा थी मेरी कि मुंबई के डब्बे मेरी मूवी रिलीज हुई डायरेक्टर, और आज वो दिन रहा। अक्सर कई बड़े बड़े स्टार लोगों ने जो हॉरर फिल्में की हैं या हॉरर सीरियल्स किए हैं, उनको अपना निजी अनुभव भी होता है कि ऐसी जगह पर शूट करने में उन्हें सचमुच कुछ महसूस हुआ है, आपको कैसा महसूस हुआ, आपको या आपकी टीम के? नहीं, मुझे तो हालांकि जहाँ जो जगह बदनाम थी वहाँ पे यहाँ भूत आ जाएगा, या फिर यहाँ शूटिंग मत करो, 6 बजे मत बाद मत जाओ, तो मैंने अपना शूटिंग स्पॉट वही रखा है, मुझे वहाँ ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। मिस्टर अजीत अरकेरी, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। कैसी लगी आपको ये मूवी? बहुत अच्छी है सर, ये काफ़ी डरावनी हॉरर मूवी है, और काफ़ी दर्शकों ने अच्छा इसको देखने को आए, यही खुशी है, और ये मूवी आगे चलेगी, अच्छा चलेगी सर। आजकल बड़े बड़े एक्टर्स लोग भी हॉरर फिल्में करने लगे हैं, उनके भी हॉरर फिल्में या सीरियल्स वगैरह सब आते रहते हैं, उसमें नए लोगों को लेकर ये फिल्म बनी है, क्या आप उम्मीद करते हैं? नहीं नहीं, काफ़ी अच्छा उम्मीद है ये सारे टीम से, ये फिल्म के जो भी हैं हमारे विलन, और अपने राजा मुराद सर का,
और इसमें डायरेक्टर रईस खान जी का बहुत अच्छा इसमें काम रहा सर, और सारे आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया सर। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा अनुभव, सभी लोगों ने अच्छा काम किया, सब ने सपोर्ट किया, और मैं अपने युवा पीढ़ी से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है, आदमी कैसे फंस जाता है, कैसे मौत के घाट उतर जाता है, ये लालच की वजह से होता है। आजकल हमारे जो नौजवान पीढ़ी है कहीं भी कैसे भी शूट करने चले जाते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो ज़रा सोच समझ कर काम करें। भैया ये फिल्म हमारी बहुत अच्छी है, मैसेज देती है, और रईस खान साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पब्लिक को ऐसी फिल्म दी, जैसे कम कीमत में अच्छा खाना, सब चीज़ होगी इसमें, और सभी टीम ने काफ़ी सहयोग दिया, और आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहेगा। फिल्म ज़रूर देखें आप।